जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हमने डिस्कस करना है कि अगर ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट पे कंप्लेन आ जाती है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर अकाउंट आपका एक्टिव है और आपको ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आई है ऑन योर अकाउंट हेल्थ पेज, उसको कैसे रिमूव करना है, और अगर आप रीइंस्टेट करवाना चाहते हो उसे तो वो आप किस तरह से करवाओगे। इसके अलावा अगर आप के पास प्रोडक्ट की इनवॉइसेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर इनवॉइसेस वगैरह अवेलेबल हैं तो फिर आप किस तरह से रीइंस्टेटमेंट करोगे। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप 1 मिनट वेट करें, मैं बस दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन आपके साथ जो है वो मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। और जी, अब ये एक सेलर अकाउंट है जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, और इसमें आपको मैं चीजें जो है वो क्लियर करती जाऊँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाते हैं, और इस अकाउंट पर काफी सारी अकाउंट पर पहले जो है वो इनऑथेंटिसिटी की कुछ कंप्लेन्स थी जिसमें लिस्टिंग्स को रीइंस्टेट करवाया गया है। सो आपके साथ पहले वो मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें कि हम थर्ड पर चले जाते हैं। इसमें पॉलिसी वार्निंग्स इस तरह से आ रही थी, जैसे अब यहाँ पर देखें ये अमेज़ॉन ने कहा कि, तो ये भी रीन स्टेटमेंट की है। मैं थोड़ा प्रीवियस जाकर ना आपको दिखाना चाह रही हूँ कि लिस्टिंग की डीएक्टिवेशन किस तरह से होती है और फिर उसको कैसे रिव्यू किया जाता है। और ये पॉलिसी वार्निंग की आई है, यहाँ पर आईपी कंप्लेन आई हुई है, और कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि अकाउंट हेल्प पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें, स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन आ जाती है। यहाँ पर 1 2 जो भी है वो यहाँ पर हमें नजर आना स्टार्ट हो जाता है। अब अकाउंट एक्टिव होता है, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ होता डायरेक्टली। अमेजोन कहते हैं कि एक कस्टमर ने कंप्लेन की है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन नहीं है, तो उस केस में फिर हमें क्या करना होता है। यहाँ पर देखें, परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर पे हमें क्लिक करना होता है, और जो भी ASIN हमारा डिमांडेड होता है, यानी कि अभी तो यहाँ पर लिस्टिंग सारी रिमूव कर दी गई है, तो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट का ASIN होता है वो हमें यहाँ पर सर्च करना होता है और उसके अंगेंस्ट देखना होता है कि कस्टमर ने कंप्लेन एक्चुअली क्या फाइल की है, जिसकी बिहाफ पर आपको ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन जो है वो रिसीव हुई है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है कि आप कॉपी प्रोडक्ट सेल आउट करते हो या फिर आप की सोर्सिंग रिलायबल अगर नहीं होती तो फिर उन सारे सिनेरियोस में आपको क्या करना है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। अच्छा, अगर तो सिर्फ कंप्लेन आई है और उसको आप रिमूव करवाना चाह रही हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि दो सिनेरियोस बनेंगे। एक सिनेरियो होगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आपकी सोर्सिंग बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपने ऑथेंटिक जेन्युइन सप्लायर से जो है वो प्रोडक्ट्स लिए हुई है। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे हम, जब इस ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन को रिमूव करवाना चाहेंगे तो हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अमेजोन को इनवॉइस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जो चीजें भी आपके पास अवेलेबल है, बिल ऑफ लैंडिंग FBA के केस में होता है, और इसके अलावा जिस बैंक से आपने परचेजिंग की है उसकी स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो है वो आप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो अमेजोन की टीम इनवॉइस को रिव्यू करेगी। इनवॉइस का कुछ क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बताती चलूँ। इनवॉइस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेलर अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, 365 डेज के विद इन जितनी सेल्स वॉल्यूम है, यानी कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट लिस्ट किए थे तो 100 प्रोडक्ट ही इनवॉइस, एक सिंगल जरूरी नहीं है, मल्टीपल इनवॉइसेस भी हो सकती हैं, यानी कि 50 पीस की, 10 पीस की, 30 पीस की, इस तरह से अलग अलग भी हो सकती हैं, तो आपने कलेक्टिवली उन सबको जो है वो सबमिट करवाना होता है। तो आपके 100 पीस उसके अंदर रिफ्लेक्ट करने चाहिए सब इनवॉइसेस के मिलाकर। ठीक है, तो बाकी ये है कि जो सप्लायर है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होनी चाहिए, और खास तौर पे सप्लायर की कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए।
तो आप सबमिट करवाते हो तो ये जो ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन होती है ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। और सेकंड केस होता है हमारे पास कि हमारे पास इनवॉइसेस ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में फिर लिस्टिंग रीएक्टिवेट नहीं करवाई जा सकती। यहाँ पर देखें, जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस पर जब वॉयलेशन वगैरह इस अकाउंट पर आई है तो इस तरह से लिस्टिंग्स को रीइंस्टेट भी किया गया है। यहाँ पर आप देखो कि वी रिमूव्ड लिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, अकाउंट हेल्थ ये ASIN है, ये प्रोडक्ट है, ये कंप्लेन आईडी है, और अमेजोन कहता है कि इन आर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट आर कस्टमर वी समटाइम एरर हो जाती है, तो 15 मिनट्स में आपकी जो ASIN है वो आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि जब आपकी लिस्टिंग रीएक्टिवेट होती है तब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, लेकिन इन अदर केस कि आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ही नहीं है, आपकी आपने वाकई ही कहीं से इनऑथेंटिक प्रोडक्ट या कॉपी प्रोडक्ट या किसी भी 3PL पार्टी से आपने प्रोडक्ट खरीद लिए और आपको कस्टमर कंप्लेन लग गई है, अकाउंट एक्टिव है आपका, तो उस सिनेरियो में अमेजोन आपको एक ऑप्शन दे रहा होता है कि आई एक्नॉलेज द पॉलिसी वायलेशन, तो फिर आपको उस पर क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद आपको अमेज़ॉन आपको कुछ ऑप्शंस देता है। वो ये कहता है कि आप जो है वो लिस्टिंग को दोबारा से रीलिस्ट नहीं करेंगे, और मतलब ये कि अकाउंट पर अगर आप दोबारा से इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करेंगे तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। उसके बाद इस तरह से 3-4 चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट्स आपने क्लिक करने होते हैं। क्लिक करके आप सबमिट करते हो तो आपकी अकाउंट से विद इन 15 to 20 मिनट्स वो पॉलिसी वॉयलेशन रिमूव हो जाती है, यानी कि अकाउंट हेल्थ पर इस तरह से 0 नजर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इस सिनेरियो में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो जिस प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन आई है, सबसे पहले उस लिस्टिंग को आपने रिमूव करना है, ठीक है। लिस्टिंग को आपने टोटली रिमूव कर देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के लिए आपको लिस्टिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करके उसके बाद फिर आप डिलीट द प्रोडक्ट उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपकी है उसकी इन्वेंटरी को रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर दें, ठीक है। रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आप पॉलिसी वॉयलेशन को एक्नॉलेज करेंगे। नॉलेज करने के बाद आपने दोबारा से कभी इस प्रोडक्ट को रीलिस्ट नहीं करना और सेल आउट करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियोज आपको बता दिए जब सिर्फ आपको कंप्लेन रिसीव हुई है, यानी कि अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ। अब हम दूसरे केस की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारा अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया, जस्ट लाइक दिस, कि अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया और अमेजोन जो है वो इनवॉइस डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं इसे और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसका जो है वो हम ओपन करेंगे। जो डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन है उसको हमने ओपन करना है, और आई थिंक ये है जी। अब यहाँ पर देखो, योर अकाउंट इज करंटली अंडर रिव्यू, वी हैव टेकन दिस एक्शन बिकॉज वी बिलीव कि आपका जो अकाउंट है वो इंगेज हो रहा है इन सेल्स ऑफ काउंटरफेट इन्वेंट्री विच वॉयलेट्स IP राइट्स। अब अमेज़न कहते हैं कि अगर आप ऑथेंटिसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो तो आपको ये चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले अमेज़न कह रहे हैं कि आपको वैलिड ID प्रूफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, जिस पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ID नंबर, एक्सपायरी डेट, सिग्नेचर, इनके जो भी आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में आपने सिग्नेचर पेज भी ऐड करना है और उसका प्रॉपर स्कैन करके उसको आपने करना है। अगर आपका अकाउंट जो है वो ID कार्ड पर साइन अप हुआ है तो आपने ID कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों चीजें साथ में PDF बनाकर अटैच करनी है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए विच मस्ट बी इन लास्ट 180 डेज। अब आपको तीन तरह की बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी। सबसे पहली स्टेटमेंट जो कि चार्ज मेथड की होगी, यानी कि जिससे अमेज़ॉन के मंथली पैसे डिडक्ट होते हैं। उसके बाद आपको डिपॉजिट मेथड की चाहिए होगी, यानी कि जिसमें अमेज़ॉन आपके पे आउट्स को डिपॉजिट करता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी उस कार्ड की स्टेटमेंट जिससे आप परचेजिंग कर रहे थे,
अच्छा, जो परचेजिंग है वो जो भी ASIN यहाँ पर डिमांडेड होगा उसकी परचेजिंग लाजमी शो होनी चाहिए उस स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, जैसे अगर अकाउंट LLC बेस्ड है तो आपको LLC का डॉक्यूमेंट, EIN का डॉक्यूमेंट, अगर रीसेल सर्टिफिकेट है तो वो, आपको ये सारी चीजें जो है वो अमेजोन को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सप्लायर की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, जिसमें सप्लायर का नेम, सप्लायर का फोन नंबर, सप्लायर का एड्रेस और उसकी वेबसाइट, ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपके पास अगर कोई ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है जो कि डिलीवरी को शो कर रहा है, वो आपको अमेजोन को प्रोवाइड करना है। बिल ऑफ लैंडिंग आपको प्रोवाइड करना है, ये FBA के केस में होते हैं, और अगर डायरेक्टली आपने ब्रांड से प्रोडक्ट ली होती है ये उस केस में बिल ऑफ लैंडिंग आपको मिलता है। अदरवाइज आपके पास अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से है या आपने वैसे किसी सप्लायर से लिया, फिर आपके पास बिल ऑफ लैंडिंग नहीं होता, और ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये समझें कि ऑप्शनल है। आप, आपके पास अवेलेबल है तो सबमिट करवा दें, नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइसेस के एक्सपोर्ट और रीजन लोकेशन, इम्पोर्ट डेस्टिनेशन लोकेशन, ब्रांड इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी, डेट, बायर इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। अच्छा, अब इसमें भी सारी चीजें ये प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, असल में इसका मतलब ये है कि आपको इनवॉइस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपको इनवॉइस प्रोवाइड करनी है, वो जो भी ब्रांड की इनवॉइस है, डिस्ट्रीब्यूटर की है, सप्लायर की है, लेकिन अगर आपने 3PL से या किसी भी अलीबाबा या इस तरह से आपने प्रोडक्ट सोर्स की है, चाइना से सोर्स की है या किसी रिटेलर से सोर्स की है, तो वो इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि अगर आपने रिटेलर से बाय भी की है तो उसके बाद अगर आप देखते हो कि जो प्रोडक्ट है उसके उसका जो मतलब सप्लायर था उस रिटेलर पर, वो अगर आप समझते हो कि ऑथेंटिक है और उसके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, तो फिर आप उससे डिमांड करके वो चीजें अमेजोन को प्रोवाइड कर सकते हो, फिर अमेजोन रिटेलर की भी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड एंड लाइसेंस्ड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, ये अगर आपके पास डायरेक्ट ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, अगर ये चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने प्रोडक्ट लिया है, तो फिर आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहना है कि वो आपको अपना ऑथराइजेशन लेटर दे कि वो उस ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो वो अगर आपको प्रोवाइड कर देगा तो वो लेटर भी अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट अब उसका ASIN है, और यू शुड ओनली सेंड PDF, JPG, PNG, GIF फाइल्स, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक होने चाहिए, अनऑल्टर्ड होने चाहिए, और ये जितनी इंफॉर्मेशन अमेजोन ने रिक्वायर की है ये इस ईमेल एड्रेस पर हमें अमेजोन को सेंड करनी है, ये अकाउंट हेल्थ के पेज से हमें सेंड नहीं करनी है। अमेजोन ने कहा है कि आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डिमांड की है, यू नीड टू सबमिट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी कि जिस ईमेल एड्रेस से आपने अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया है, उस ईमेल एड्रेस को यूटिलाइज करते हुए आपने मतलब इस ईमेल पर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और अगर अमेजोन कहते हैं कि विद इन 10 डेज अगर आप रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करते, या अगर टू अनसक्सेसफुल अपील्स होती हैं, तो अमेजोन हमें अलाउ नहीं करेगा सेल आउट करना, और अकाउंट में जो फंड्स हैं उनको विदहोल्ड कर लेगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अमेजोन कहते हैं कि आप इस ईमेल पर रीच आउट होकर अमेजोन की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई, अब इस तरह के सिनेरियो में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो इकट्ठे करने हैं, जिसमें आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो हर एक पर्सन के पास ही अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कार्ड की स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर से या जिस ब्रांड से आपने प्रोडक्ट लिया है आपके पास उसी की एग्जैक्ट होनी चाहिए, अगर किसी रिटेलर से भी लिया है। अभी मैंने लेटेस्ट जो है वो एक अकाउंट इस तरह का रीइंस्टेट करवाया है, जिसमें न्यू एग जो है वो एक सप्लायर है उससे मतलब रिटेलर है उससे उन्होंने प्रोडक्ट बाय की थी, और जो उस मतलब रिटेलर पे बैठ के जो बंदा सेल आउट कर रहा था वो ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमने फिर उसके डॉक्यूमेंट उससे रिक्वायर किए कि भाई तुम हमें अपने सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट दे दो, यानी कि तुम अपनी प्रोडक्ट कहाँ से खरीद कर आगे बेच रहे हो। तो उसने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वेस्ट पर, काफी मल्टीपल रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन उसने फिर हमें क्या किया कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर होने का जो लाइसेंस है
यानी कि ब्रांड के साथ जो ऑथराइजेशन है उसकी, उसने वो हमें सेंड कर दी, और उसने अपनी जो मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो सप्लाई चेन को प्रूव करती है वो उसने हमें सेंड की। तो हमने अपनी रिटेलर की इनवॉइस लगाई और वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए, और हमने ब्रांड से भी कांटेक्ट किया चेक करने के लिए कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये वाकई ही ऑथराइज्ड है। तो ब्रांड ने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ ये मेरा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो उससे हमें कंफर्मेशन हो गई। हमने फिर ये सारे डॉक्यूमेंट अमेजोन को सबमिट करवाए और अपील साथ में एक लिखी जिसमें उन डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जस्टिफिकेशन और चीजें वगैरह थी। अमेजोन ने उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दिया। तो असल चीज ये है कि आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि ये चीजें आपको अमेजोन की क्राइटेरिया के मुताबिक एक्यूरेटली आपको प्रोवाइड करनी है, और अपील लाजमी लिखनी है साथ। अपील पर भी आपकी चीजें सारी डिपेंड कर रही होती हैं। आपने ये चीजें जो है वो अमेजोन को प्रोवाइड करनी है तो अमेजोन आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देगा। सो आप वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ अपील शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।